नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स विद मी के अंदर। और एसएसबी के द्वारा जो है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, एएसआई कम्युनिकेशन और एसआई कम्युनिकेशन का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा रहा है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन कैडर एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन एएसआई कम्युनिकेशन एंड हेड कांस्टेबल एचसी कम्युनिकेशन। कैंडिडेट में विजिट लेटेस्ट अपडेट इन नोटिस सर्कुलर ऑन होम पेज। देखिए दोस्तों, हम नोटिस सर्कुलर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस सर्कुलर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेड कांस्टेबल का रिजल्ट दिखाया गया, दूसरा एएसआई का रिजल्ट दिखाया गया, तीसरा एसआई का रिजल्ट दिखाया गया है। दोस्तों पेपर काफ़ी जो है हार्ड था, तो एसआई के अंदर केवल एक बच्चा यहाँ पे पास हुआ है। यहाँ पे पोस्ट 19-20 के आसपास थी। एएसआई के अंदर दोस्तों 107 पोस्ट थे और टोटल 119 बच्चे ही यहाँ पे पास हो पाए हैं मेडिकल के लिए। और हेड कांस्टेबल के अंदर 749 के आसपास पोस्ट थे, जिसके अंदर 1976 बच्चे दोस्तों यहाँ पे पास हुए हैं टोटल हेड कांस्टेबल के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन के अंदर इसके जो मेडिकल के एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों की यहाँ पे शिकायत आ रही है कि उनके नंबर जो है अच्छे खासे थे, 65 थे, 67 थे, लेकिन उनका जो है लिस्ट के अंदर नेम है वो नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले चलिए पहले तो मैं आपको हेड कांस्टेबल की लिस्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो देखिए मेरे पास हेड कांस्टेबल की यहाँ पे लिस्ट पड़ी हुई है और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ किस तरह से आपको अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखना है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट है वो 1976 यहाँ पे पास किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ, जिसने जिस भाई ने भी यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है वो चेक किया है, सभी ने क्या किया होगा कि यहाँ पे ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है, जैसे सबसे पहला ही नाम है VEERAAIH, तो हम यही लिखते हैं यहाँ पे VEERA। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है नो मैच फाउंड, यानी कि आप यहाँ पे अपना जो रिज़ल्ट है वो सर्च ना करें। आप पर्टिकुलर प्रत्येक एक एक रोल नंबर, एक एक नाम को यहाँ पे सर्च करें, क्या पता आपका नाम इस लिस्ट के अंदर हो और आपने केवल ऊपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपना सर्च किया हो, जिससे आपका नाम है वो नहीं दिखाया। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक नाम लिखा हुआ है दिव्या, तो मैं ऊपर दिव्या लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अब भी यहाँ पे लिखा रहा है नो मैच फाउंड। तो आप अपना रिजल्ट जो है प्रत्येक एक एक पर्टिकुलर नेम के ऊपर या रोल नंबर के ऊपर जाके चेक करें, तभी आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे माना मतलब शो करेगा दोस्तों। ऊपर आप सर्च के अंदर यहाँ पे सर्च मत करें। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो एसआई और एएसआई में तो जितने बंदे मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल के अंदर दोस्तों काफ़ी मेरे जानकार हैं और मैं आपको बता दूं कि 52 नंबर वाले ओबीसी कैंडिडेट पास आए हैं यहाँ पे और 56 नंबर वाले जनरल कैंडिडेट यहाँ पे पास हो रखे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे तकरीबन 2.5 गुना बच्चे जो है मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। तो अब जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल की क्या रह सकती है वो आपको बता देता हूँ। जो जनरल की फाइनल कट ऑफ है वो 60 नंबर से लेकर के 62 नंबर तक यहाँ पे वेरी करेगी दोस्तों। मैक्सिमम इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एक एक नंबर बढ़ता जाता है कैंडिडेट काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और आपके जो इसके अंदर दो एग्ज़ाम थे उनमें से केवल जो सेकेंड एग्ज़ाम के अंदर जो आपके मार्क्स आए हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई नेचर का था। अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो 52 वाले बच्चे पास थे यहाँ पे, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 55 से लेकर के यहाँ पे 58 तक वेरी करेगी दोस्तों। यानी कि 55 से 58 तक वालों का सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म मैं मान सकता हूँ दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने, आगे जब मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।